में और मैं हूँ स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहाँ बता दें कि खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ पर आज पीएम और सीएम योगी एक साथ होंगे। ये ग्रेटर नोएडा से खबर पहुंचा रहे, जहाँ इंडिया एक्सपो मार्ट में 4 दिनों का आयोजित किया गया है। 50 देशों के प्रतिनिधि मंडल लेंगे इस समिट में भाग। लगभग 700 से अधिक किसान भी इस डेयरी समिट में शामिल होंगे, जिसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी नोएडा पहुंचेंगे। उद्योगों के लिए पीएम मोदी कर सकते हैं बड़ी ऐलान। ग्रेटर नोएडा में आज सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि आज इस समिट में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज पीएम और सीएम योगी एक साथ होंगे। डेयरी समिट का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा से, खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर नोएडा पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर डेयरी समिट का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्वेत क्रांति का आज ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन। वर्ल्ड डेयरी समिट का पीएम करेंगे उद्घाटन, इसमें कई बड़े मंत्री भी इसमें हो सकते हैं शामिल। समिट का उद्घाटन कार्यक्रम में करेंगे पीएम मोदी। इंडिया एक्सपो मार्ट में 4 दिनों का ये आयोजन किया गया है, जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधि मंडल इस समिट में भाग लेंगे। इसके साथ ही लगभग 700 से अधिक किसान भी इस समिट में शामिल होंगे। उद्योगों के लिए पीएम मोदी कर सकते हैं बड़े ऐलान। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज नोएडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही और भी कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसके साथ ही 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस समिट में शामिल होंगे। इस पर हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे और नोएडा से हमारे संवाददाता मुनेंद्र शर्मा। इस पर सबसे पहले हम मुनेंद्र के पास जाना चाहेंगे। मुनेंद्र, आज नोएडा पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर वो डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे, तो इसको लेकर किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं और क्या आयोजन किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें आज के समिट की तैयारियों की, तैयारियां पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चल रही है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पर जो ये आयोजन होना था इसका उद्घाटन भी कर दिया है। तकरीबन 10:20 के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर इस समिट का उद्घाटन कर दिया है। व्यापक इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के हैं, आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू, अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो ये मेन गेट है एक्सपो मार्ट का, जहाँ जिसके सामने हम अभी खड़े हैं, और पूरे सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किए गए हैं। जी जी मुनेंद्र, इसके साथ ही जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, तो लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आसानी से लोग पहुंच सकें, इसको लेकर रूट डायवर्जन भी कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल साथी, बताना चाहूंगा कि जो एक्सपो मार्ट के आसपास की एक दो सड़क है उसका डाइवर्जन किया गया है और उसमें भी यातायात कर्मियों को बहुत अच्छे तरीके से लगाया हुआ है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ नोएडा की ट्रैफिक पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, तो अमूमन इस तरीके की कोई भी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। जी, इसके साथ ही हम रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे से भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आज वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 2 घंटे का प्रोग्राम है, लगभग जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे, लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री जो है वहाँ कार्यक्रम में प्रतिभाग शुरू हुआ था और 12:30 बजे तक, यानी 2 घंटे जो है प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर 50 देशों के प्रतिनिधि समिट में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का भाषण बहुत अहम रहने वाला है, खासतौर पर जो इन लोगों को तमाम चीजें जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने देश की इन लोगों के सामने रखेंगे। तमाम लोग जो है वो बाकायदा उसकी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है।
योगी आदित्यनाथ कल से ही खासतौर पे ग्रेटर नोएडा में मौजूद थे, लगातार उन जगहों का सर्वे कर रहे थे जहां प्रधानमंत्री खुद पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक्सपो मार्च की बात करें जहां ये प्रोग्राम रखा गया, उस जगह का भी निरीक्षण खुद सुबह सुबह ही यूपी के मुख्यमंत्री ने किया। हालांकि जहां तक मुख्यमंत्री बात है, मुख्यमंत्री जो है आज पूरा दिन जो है वो ग्रेटर नोएडा में रहने वाले हैं, जेवर एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है उसका भी निरीक्षण करने वाले हैं। उसके साथ ही जो अन्य प्रोजेक्ट खासतौर पर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में चल रहे मुख्यमंत्री उनका भी निरीक्षण और सर्वे करने वाले हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री जो है इतनी बड़ी समिट को जो है वो संबोधित करने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और 12:30 बजे तक जब तक प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में है तब तक योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के वहां से निकलने के बाद योगी जी जो है वो अपने कामों में जो उनके ग्रेटर नोएडा के जो प्रोजेक्ट है यूपी सरकार के उनमें होंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री खासतौर पर नोएडा ग्रेटर नोएडा किस तरह सौगात देते हैं वो देखना होगा। डेयरी प्रोजेक्ट जिसकी बात की जाए जिसके अकॉर्डिंग जो है उस जो समिट रखी गई उसे लेके क्या कुछ दिशा निर्देश देने वाले हैं कि देश की आगे की महत्वाकांक्षी योजनाएं किस दिशा में चलने वाली। जी जी अमित जी, अगर इस डेयरी समिट की बात की जाए तो इस डेयरी समिट का उद्घाटन होने में 40 साल लग गए, 40 साल का लंबा समय लग गया, तो इस बार अब इस डेयरी समिट में क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए पहले खासतौर पर जब प्रधानमंत्री पहला कार्यकाल था तो उन्होंने तमाम योजनाओं के लिए 2022 का वक्त दिया था, 2022 जो है वो चल रहा है। ऐसे में तमाम योजनाओं की जो क्रियान्वित की जा रही है खासतौर केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा, तो उनकी प्राथमिकता या तो 2022 तक पूरा कर लिया जाए, जो नई योजनाएं उनका भी कहीं ना कहीं आगाज जो है वो 2022 में दिखाई पड़े। डेयरी प्रोजेक्ट जो है वो उसी का उदाहरण है कि चीजों में समय जरूर लग रहा है लेकिन जिस टाइम बाउंडेशन के साथ केंद्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है लगभग उसी के इर्द गिर्द जो है वो तमाम चीजें दिख रही है। जेवर एयरपोर्ट की बात करें, काफी सालों से जो है प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा था, उसके बाद न सिर्फ प्रोजेक्ट को जो जमीन अधिग्रहण संबंधी जो तमाम चीजें थी न सिर्फ उन्हें पूरा किया गया बल्कि उसका काम भी सुचारू रूप से तय किया गया है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है, देश जो है वो खासतौर पर विश्व के 5 टॉप इकोनॉमिक देशों में शामिल हो गया, खासतौर पर अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जाहिर तौर पे लगातार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ प्रधानमंत्री तमाम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार न सिर्फ प्रयास कर रहे हैं बल्कि इस तरह की समिट तमाम देशों को भी अवगत करा रहे हैं कि आखिरकार भारत किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। जी अमित जी, अगर इस तरह के कार्यक्रमों की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं जहां पर पूरे देश को एक गर्व महसूस होता है कि पूरा भारत अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर भारत एक नया आयाम पेश कर रहा है लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने। देखिए जाहिर तौर से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अपने वजूद को किस हद तक बढ़ाया है। तमाम देश जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत की रणनीति की सराहना करते हैं और ये भी देखा गया है कि अब जो है भारत जो है वो किसी देश के दबाव में काम नहीं करता। उसका उदाहरण हमने देखा था रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, खासतौर पर जब अमेरिका की तरफ से रूस से कच्चे तेल के की खरीदारी के लिए मना किया गया था, उसके बावजूद भारत ने रूस से जो है कच्चा तेल खरीदा यानी सस्ते दामों पे खरीदा। तो जाहिर तौर पर देश को कैसे आगे बढ़ाना प्राथमिकता केंद्र सरकार की उसके अकॉर्डिंग है कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी दबाव में या किसी अन्य प्रोजेक्ट की दशा और दिशा में काम करना है। तो जाहिर तौर पर जो विजन है भारत सरकार का वो एक तरह से साफ संदेश दे रहा है कि भारत किस तरह से अपना काम कर रहा है। और 50 देशों के जब आज प्रतिनिधि खासतौर पर समिट में शामिल होंगे तो जाहिर तौर पर उनके लिए भी एक यहाँ पे निर्देश होगा खासतौर पर कि भारत की तमाम जो योजनाएं हैं वो न सिर्फ इस आधार पर चल रही है बल्कि विश्व को भारत क्या कुछ देने वाला है। जी अमित जी, इसके साथ ही हम मुनेंद्र शर्मा से एक सवाल लेना चाहेंगे।
मुनेंद्र जी, मुनेंद्र आज जो सीएम योगी पहुंच रहे हैं और कई बड़े बड़े नेता इस आज ग्रेटर नोएडा में जो कार्यक्रम होने वाला है डेयरी समिट का, उसमें आने वाले हैं, तो इसको लेके जो ये कार्यक्रम हो रहा है जहां पर कई बैठक भी की जाएगी, तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, वो मुद्दे क्या है? बिल्कुल, अगर बात करूं तो अभी जो आयोजन अंदर चल रहा है प्रॉपरली, मतलब इवेंट का जो आयोजन अंदर किया जा रहा है, इसमें टोटल अभी मोदी जी का संबोधन हो रहा है अंदर, उसके बाद में जब ये पूरा जो 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उम्मीद है कि जो प्रबुद्ध जनों के साथ में एक बैठक आयोजित की जानी थी उसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी क्लियरिटी नहीं है। उम्मीद है कि वो 12:30 बजे तक वो बैठक भी हो जाएगी। जी, ये आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अमित जी और मुनेंद्र, आप दोनों का धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज 48 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में ये श्वेत क्रांति का आयोजन होगा। ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रमों में कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने हुए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल हुए 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि और कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पीएम मोदी पहुंच चुके हैं।